जिंदाबाद भारत माता की जय। जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम धर्मपाल लट है जी। मैं अन्ना आंदोलन का साथी हूँ और हम जिस टाइम अन्ना जी सिरसा दिल्ली के अंदर आए थे उससे पहले मैं पीछे की थोड़ी सी बात बताता हूँ। उस टाइम जैसी दुनिया थी वैसा ही मैं था, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं था। लेकिन जब अन्ना ने आंदोलन किया और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने सच्चाई के ऊपर अपनी एक उंगली के इशारे पर नचाया और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसके अंदर भी उथल पुथल मची हुई थी, उससे शिक्षा लेकर और मैं इस रास्ते पे चला हूँ कि सच्चाई कुछ टाइम के लिए रुक सकती है पर वो दब नहीं सकती। उसी राह पे चलते हुए अन्ना आंदोलन में हिस्सा लिया, उसके बाद में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई उस पार्टी के साथ हैं। तो हमें ये नहीं मालूम था कि व्यवस्था परिवर्तन क्या होता है, ओरिजिनल बात है ये। सत्ता परिवर्तन देखते थे, कभी हुड्डा आ गया, कभी चौटाला आ गया, कभी कोई आ गया, कभी बंसीलाल आ गया, कभी भजनलाल आ गया, पर व्यवस्था परिवर्तन की हमने कोई बात नहीं सुनी थी। व्यवस्था परिवर्तन हमने तो यही सोचा था कि शायद कोई ऐसा कोई जादू करेंगे केजरीवाल जी जिससे व्यवस्था परिवर्तन, पर जब उसका पता चला कि व्यवस्था का मतलब होता है कि पूरे ढांचे को ही जो विदेशी जो हमारी जो नीति है उसके अंदर ही बदलाव लाने वाले, तो कुरुक्षेत्र के जो हमारी टीम है वो तैयारी करेगी। मैंने तैयारी करी है कि मैं 25 तारीख को सिरसा से पैदल चलाऊं और लोगों के अंदर एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर जुनून आदमी के अंदर हो और अगर उसके पास पैसा ना हो तो वो कुछ भी कर सकता है, जुनून उसके अंदर होना ज़रूरी है। तो मैं कोई इतना बड़ा एक कार्यकर्ता नहीं हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं जिस दिन से इस पार्टी में आया हूँ मेरे अंदर जुनून है। मैंने देखा है कि केजरीवाल जी एक IRS अफसर थे, इनकम टैक्स में अफसर थे, वो कितना ही पैसा कमा सकते थे, पर उन्होंने मलिन बस्तियों में जाकर जो गरीबों की सहायता करी उसका हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा है कि मैं उसके बाद इस पार्टी में आने के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना मैंने कभी कोई लव और लालच किया है। मैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं देश को जगाना चाहता हूँ कि अगर आज भी अगर हम नहीं जागे तो हम जाग सकते ही नहीं, हम अंधेरे में ही रहेंगे। उस अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए मैं सिरसा से पैदल चला हूँ, लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि आइए कुरुक्षेत्र में आइए और वहाँ पर एक नेक दिल इंसान आपको क्या कुछ कहेगा, देश की दशा बदलने के लिए वो आपको एक संदेश देगा, उस संदेश पर चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मैं उस टाइम से इस पार्टी के साथ लगा हूँ और मेरी कोई दिली इच्छा नहीं है, वहाँ से सीख ली, कुछ पता चला कि भगत सिंह भी इस देश के अंदर जिसने जन्म लिया था वो अपनी जिस माँ ने जिसको जन्म दिया था उस माँ को छोड़कर इस धरती माँ के लिए उसने कुर्बानी दी। हम तो उनके कुछ भी नहीं है, एक कुछ 0% हैं, पर अगर उनकी चीज़ों को आज हम आगे नहीं लेके आएंगे तो ये हमारा देश गुलाम ही रहेगा, हम गुलामी से बाहर नहीं निकल सकते।